वहीं तालिबान के डर से लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी है। अब तक ऐसे लोगों का जमावड़ा काबुल एयरपोर्ट पर हो रहा था, लेकिन आज एक नई तस्वीर दरअसल सामने आई है। स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक बॉर्डर की है। हजारों अफगानियों का हुजूम स्पिन बोल्डक सीमा पर इकट्ठा है। सबके सब तालिबान से आजादी चाहते हैं। ये सारे लोग अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। तालिबान का खौफ देखिए। ये लोग अपना घर बार रोजी रोटी कमाई छोड़कर एक ऐसे देश में पनाह लेने को तैयार हैं, जो खुद आतंकवाद का गढ़ है और तालिबान का दोस्त भी है। काबुल एयरपोर्ट की परेशान करने वाली तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन स्पिन बोल्डक का मंजर और भी चिंता में डालने वाला है। यहाँ अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय का कोई दफ्तर नहीं है, लिहाजा ये लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे ये सवालों में है। अब पनशीर घाटी की ये ताजा तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर तालिबान को डरा देगी। ये एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके हैं, जो हर हाल में तालिबान के कब्जे से पनशीर घाटी को बचाने के लिए तैयार हैं। तालिबान विरोधी ये लड़ाके दिन रात पनशीर की पहरेदारी कर रहे हैं। पनशीर घाटी का एक वीडियो नॉर्दर्न अलायंस खुरासान ने ट्वीट किया है। एंटी तालिबान विरोधी फोर्स के साथ यहां अहमद मसूद भी नजर आ रहे हैं। पनशीर घाटी तालिबान के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। पनशीर अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। ये अफगानिस्तान का अकेला ऐसा इलाका है जहां कभी कोई विदेशी ताकत कब्जा नहीं जमा पाई। आखिर पनशीर में ऐसा क्या है जो अब तक खुद को हमलावरों से बचाए हुए है? इन लड़ाकों का जज्बा इस सवाल का जवाब है। आज तक ब्यूरो।